कि एक बड़ा सा ट्रक तेजी से आया और उसने जैक्सी को कुचल दिया। जैक्सी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। लक्ष्मी भागती हुई आई। लक्ष्मी एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग की कुतिया थी। बाकी कुत्तों के मुकाबले उसे एक वरदान था कि वो इंसानों की तरह बोल सकती थी, उनकी बातों को समझ सकती थी और अपने दिल की बात उन्हें बता भी सकती थी। लक्ष्मी का दोस्त जैक्सी कुत्ता था। उन दोनों की आपस में खूब बनती थी। जैक्सी एक जवान और बहुत बड़ा कुत्ता था, जिसकी वजह से बाकी सारे कुत्ते उससे डरते और चलते भी थे। जब एक दिन बड़े बड़े कुत्ते दो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों को छेड़ रहे थे तो वो बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे थे, पर वो कुत्ते उन्हें मुंह में उठा उठा कर जमीन पर पटक रहे थे। तभी जैक्सी और लक्ष्मी वहां आ जाते हैं। जैक्सी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कुत्तों को मार के वहां से भगा देता है। बिल्ली के बच्चों को बचा लेता है। लक्ष्मी जैक्सी से कहती है, जैक्सी तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी इन्हीं अच्छाइयों की वजह से मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद लक्ष्मी जैक्सी से कहती है, जैक्सी मुझे तुमसे कुछ कहना है। जैक्सी भले ही लक्ष्मी की तरह बोल नहीं सकता था, पर वो लक्ष्मी की हर एक बात को समझता था। जैक्सी मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। बहुत जल्द हम दोनों के बच्चे आने वाले हैं। जैक्सी अपना सर हिला के लक्ष्मी को बताता है कि वो इस बात को सुनके बहुत खुश है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। जैक्सी इस पूरी दुनिया में तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझते हो, मेरी बातों को और मुझे। ऐसे ही सब कुछ ठीक जा रहा था, तभी लक्ष्मी जैक्सी से कहती है, जैक्सी मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है। तभी जैक्सी लक्ष्मी की बात को समझते हुए लक्ष्मी के लिए जल्दी जल्दी पानी लेने निकल जाता है, क्योंकि लक्ष्मी की तबीयत खराब हो रही थी, उसे बहुत प्यास लग रही थी। जल्दी जल्दी से जैक्सी जैसे ही पानी लेकर रोड के उस पार जा रहा था कि एक बड़ा सा ट्रक तेजी से आया और उसने जैक्सी को कुचल दिया। जैक्सी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। लक्ष्मी भागती हुई आई। लक्ष्मी जैक्सी के मरने के बाद बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। एक तो वो गर्भवती थी, ऊपर से अब उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। उसे जैक्सी की बहुत याद सताती थी। भूखी प्यासी लक्ष्मी शहर की ओर आ जाती है और वो देखती है एक जगह घर का गेट खुला है और अंदर आके गेट के साथ लगे पेड़ के सामने बैठ जाती है। कितनी गर्मी है, थोड़ी देर यहाँ बैठ के आराम कर लेती हूँ। तभी थोड़ी देर बाद घर की मालकिन जया बाहर आती है। जया खुद भी 8 महीने की गर्भवती होती है। जैसे ही वो लक्ष्मी को देखती है, हरे कृष्णा, मेरा सारा घर अशुद्ध हो गया। कौन मर गया था? गेट खोल के ये आवारा कुत्ता घर के अंदर आ गया। कोई है? भगाओ इस कुत्ते को यहाँ से। कहाँ मर गए सारे के सारे? लगता है अब मुझे ही इसे यहाँ से भगाना होगा। जया डंडा लेकर लक्ष्मी को भगाने लगती है। अरे मार खाएगा क्या? भाग भी जाए यहाँ से। अरे ये तो गर्भवती है, अगर इसने यहाँ बच्चों को जन्म दिया तो कितनी गंदगी हो जाएगी। कितनी घिची कुत्ता है, उठने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल लक्ष्मी बहुत थकी हुई थी, ऊपर से भूखी प्यासी थी, इस वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी। पर जया ने तो उसे मार मार के भगा कर ही दम लिया। लक्ष्मी भौंकती हुई रोती हुई चली जाती है। फिर लक्ष्मी वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद कुछ आवारा कुत्ते लक्ष्मी को काटने को दौड़ते हैं और उसे जख्मी करके वहाँ से भगा देते हैं। ये कैसी जिंदगी है? किसी के घर में थोड़ी सी जगह नहीं है मेरे लिए। डंडे मार मार के भगा देते हैं। बाहर सड़क पे भी मेरे लिए जगह नहीं है। आवारा कुत्ते काटते हैं। जाऊं तो जाऊं कहां? क्या इस पूरी धरती पे मेरे और मेरे बच्चों के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? तभी शाम के समय केशव अपनी दुकान बंद करके बाजार से थोड़ा मटन लेकर जा रहा था। उसके मटन पे एक कुत्ते की बहुत देर से नजर थी। मौका पाते ही कुत्ते ने उस पे झपट्टा मार दिया, मटन के लिए उसे भी जख्मी कर दिया और केशव को जमीन पे गिरा दिया। हाय, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पीछे खड़ी लक्ष्मी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पूरी जोर लगा के कुत्ते को वहाँ से भगा देती है और केशव की जान बचा लेती है। केशव जख्मी हालत में लक्ष्मी के पास आता है, उसके सर पे हाथ फेरता है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। कितनी प्यारी हो तुम, और तुम तो गर्भवती भी हो। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। केशव हैरान हो गया कि कुतिया बोल रही थी। अरे तुम बोल कैसे सकती हो? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी नाम है मेरा। केशव समझ गया कि ये कोई मामूली कुतिया नहीं है, ये कोई भाग्यशाली कुतिया है।
केशव उससे पूछता है कि वो कहाँ रहती है। मेरा कोई घर नहीं है, हर जगह से मार मार के भगा दिया जाता है मुझे। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे घर रहोगी, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। केशव उसे अपने घर ले जाता है, पर जैसे ही लक्ष्मी घर के बाहर पहुँचती है, नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जाऊँगी। क्यों, क्या हुआ? इसी घर की औरत ने मुझे पहले भी डंडे मार के भगाया था। क्या, उसने ऐसा किया? लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी, मैं उसे तुम्हारे बारे में सब बताऊंगा। हरे कृष्णा, तुम इस कुत्ते को घर ले आए? और ये क्या, तुम इतने जख्मी कैसे हो गए? ये सब इसने किया है? नहीं जया, इसने नहीं किया, और अब से ये हमारे साथ रहेगी, ये गर्भवती कुतिया है। जानती हूँ ये गर्भवती है, इसलिए इसे यहाँ से निकाला था, और तुम इसे घर ले आए? पागल हो गए हो क्या? जब ये बच्चे जनेगी तो मेरा पूरा घर गंदा हो जाएगा। पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो, खुद गर्भवती होकर किसी दूसरी गर्भवती का दर्द नहीं समझ रही। और कोई मामूली कुतिया नहीं है, चमत्कारी है, इंसान की तरह बोलती है और भावनाओं को समझती भी है। मैंने कह दिया ये यही रहेगी तो यही रहेगी, बस बात माननी पड़ती है और उसे लक्ष्मी को घर में रखना पड़ता है। पर वो मन ही मन सोचती है, कोई बात नहीं, इस कुत्ते पे इतना अत्याचार करूंगी ना कि दो दिन में खुद ही घर छोड़ के चली जाएगी। केशव जब घर पे होता तो अपनी गर्भवती बीवी के साथ साथ लक्ष्मी की भी खूब सेवा करता था, खूब खिलाता पिलाता। लेकिन जैसे ही वो दुकान पे निकल जाता तो जया का अत्याचार शुरू हो जाता, वो उसे खूब मारती और खाना भी नहीं देती। अरे कितनी बेशरम कुत्ता है, रोज इसको मारती हूँ, खाना नहीं देती, फिर भी घर छोड़ने का नाम नहीं लेती है। दरअसल लक्ष्मी को अपने मालिक केशव से बहुत प्यार था, इसीलिए वो जया के अत्याचार को भी सहन कर लेती थी और घर नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन केशव को काम को लेके शहर के बाहर जाना पड़ा। चोरों ने इसी बात का फायदा उठाया और घर में घुस गए। जया को कुछ आवाज सुनाई दी और उसने लाइट ऑन की। कौन है? कौन है? तभी एक चोर जया के गले पे बड़ा सा चाकू रख देता है और कहता है, चल, नहीं तो छोरी गले के पार होगी। हाँ हाँ जल्दी कर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी दूसरी जगह पर भी जाना है। मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी लक्ष्मी उन चोरों पर झपट पड़ती है और उन्हें बुरी तरह जख्मी करके भगा देती है। मुझे माफ कर दे लक्ष्मी, आज तेरी वजह से हमारा घर लूटने से बच गया और तूने मेरी जान भी बचाई। माफ कर दे मुझे, मैंने तुझ पे कितना अत्याचार किया, मारा, खाना नहीं दिया, इंसान होकर मैंने ऐसा किया, तूने जानवर होकर हमारे लिए इतना कुछ किया, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। कोई बात नहीं मालकिन, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। उसके बाद जया लक्ष्मी की खूब सारी सेवा करने लगी, उसे अच्छा अच्छा खाना देने लगी। थोड़े दिनों बाद लक्ष्मी दो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है, साथ ही जया की भी एक प्यारी सी बेटी हुई। लक्ष्मी के घर में आने से केशव का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता ही गया। देखा जया, मैंने कहा था ना, लक्ष्मी बहुत चमत्कारी कुतिया है, उसी के आने के बाद हमारे कारोबार में इतनी बढ़ोतरी हुई है, हमारे घर में इतनी खुशियाँ भी आई है। हाँ जी आप सही कह रहे हो, अब हम लक्ष्मी को खुद से कभी दूर नहीं होने देंगे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरीज लाते रहें।